तो आज हम बनाने वाले हैं आलू टॉट्स। ये बहुत नई रेसिपी है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा लगने वाला नहीं है, बस हमें सिर्फ आलू लेने हैं। इसे मैंने छील लिया है, अब हम इसे रफली कट करेंगे। इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ये सारे आलू को हमने कट कर लिया है, अब हम इसी पानी में इसे डालेंगे और हमें सिर्फ 5 मिनट ही इसे बॉईल करना है। ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना है क्योंकि जो आलू टॉट्स होते हैं उसका स्वाद निकल जाएगा अगर हम इसे ज़्यादा बॉईल करेंगे। तो सिर्फ हमें 5 मिनट ही इसे बॉईल करना है। ये थोड़ा हमें कच्चा ही चाहिए। और ये देखिए, ये हमारे आलू हो चुके हैं बॉईल। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा होता है। ये देखिए, ये थोड़ा कच्चा ही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बॉईल हमें नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, सिर्फ मैंने इसे 5 मिनट बॉईल किया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसे कर लेना है, ऐसे ही हम सब कर लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारे आलू हो गए हैं रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मैदा डाल सकते हैं या फिर जो चावल का आटा होता है वो भी डाल सकते हैं। 4 से 5 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे जिससे कि ये जो आलू टॉट्स है ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ धनिया और मिर्च, मैंने कट कर ली थी, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से ही। ये हमने डाल दिया चाट मसाला, इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोजरेला चीज, ये हम इसे ऐसे कर लेते हैं इसे। अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। हाथ पर हम लगाएंगे तेल और एक हिस्सा इसका ऐसे लेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे। बीच में हम इसे ऐसे होल करेंगे और ये जो चीज है ये हम इसमें डालेंगे, इसे ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सब बना लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारे आलू टॉट्स फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तेल हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम हमें चाहिए। इसे आप महीना भर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिए है। अच्छा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। और ये देखिए, ये हमारे आलू टॉट्स बनकर रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए, अब हम इसे सर्व करते हैं। और ये देखिए, ये हमारी क्रिस्पी चीजी आलू टॉट्स बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका चीजी टेक्सचर।